चाइना के साइंटिस्ट ने एक और अचीवमेंट हासिल की है। चाइना के साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सन बनाने का दावा किया है। असल सूरज हमारे और पूरे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसने हजारों सालों से अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाया है। तो अब क्या हमारे पास दो सूरज हो जाएंगे? आर्टिकल्स और न्यूज़ में तो कुछ इसी तरह से बताया जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से अपडेट रह पाएं। आज जब हमारे आसपास सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है तो जाहिर है इसे चलाने के लिए हमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमारे पास जो भी तरीके मौजूद हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिससे हमारे एटमॉस्फेयर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पावर प्लांट। इन सब से एनर्जी जनरेट करने में काफ़ी सारा वेस्ट निकलता है। और बाकी जैसे विंड, सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इन सब से इतने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते, तो हमें ना चाहते हुए भी उन मेथड्स पर डिपेंड होना पड़ता है जिससे काफ़ी वेस्टेज निकलता है जो कि एनवायरनमेंट को काफ़ी डैमेज पहुंचाते हैं। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए साइंटिस्ट ने एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है, वो भी बिना किसी वेस्टेज के। फिलहाल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो कि काम करता है न्यूक्लियर फिजन पर। न्यूक्लियर फिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी एटम का न्यूक्लियस टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियाई यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। इस न्यूक्लियस के टूटने की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी से बॉयलर को चलाया जाता है जिसमें स्टीम बनती है, जिससे कि टर्बाइंस को चलाया जाता है। टर्बाइंस जब चलते हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जनरेटर्स को चलाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मगर इस मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है जिसे जनरली नदियों और समुद्र में फेंक दिया जाता है। ये वेस्ट नदियों और समुद्र और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए साइंटिस्ट ने उस चीज़ की खोज की है जिसे हम आर्टिफिशियल सन के नाम से जान रहे हैं। असल में ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। डेली मेल की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना के इस आर्टिफिशियल सन का नाम एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक है। ये सूरज की कॉपी करता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। इसका मतलब है कि जिस तरह रियल सन में एनर्जी जनरेट होती है, ये उसी तरह एनर्जी जनरेट करता है। डेली मेल की रिपोर्ट के हिसाब से ईस्ट ने 101 सेकंड के लिए 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट पर चलने के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया है, और 20 सेकंड के लिए इस आर्टिफिशियल सन ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का एक्सट्रीम टेम्परेचर भी हासिल कर लिया, जो सूरज से 10 गुना ज़्यादा गर्म है। चाइना के साइंटिस्ट की ये लेटेस्ट अचीवमेंट है। मिनिमम वेस्ट मटेरियल के साथ क्लीन और अनलिमिटेड एनर्जी के खजाने को अनलॉक करने की देश की खोज में ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। चाइना के फिजिक्स डिपार्टमेंट साउदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर ली मियाओ ने कहा, ये सक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस है और अल्टीमेट गोल टेम्परेचर को लंबे समय तक स्टेबल लेवल पर रखना है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना के एक्सपेरिमेंटल आर्टिफिशियल सन के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ज़ायमन यूनिवर्सिटी में चाइना सेंटर फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च के डायरेक्टर लिन बोकुएंग के अकॉर्डिंग, एक काम कर रहे रिएक्टर को अपने एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस से उभरने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। द एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक रिएक्टर एक एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज हीफी चाइना में मौजूद है। आर्टिफिशियल सन का पर्पस है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को दोहराना। न्यूक्लियर फ्यूजन वही प्रोसेस है जो ओरिजिनल सन को पावर देती है। ईस्ट 3 मेजर डोमेस्टिक टोकामक में से एक है जो करंटली चाइना में ऑपरेट किया जा रहा है। ईस्ट के अलावा चाइना अभी HL2A रिएक्टर के साथ साथ JTEXT को भी ऑपरेट कर रहा है। दिसंबर 2020 में चाइना के सबसे बड़े और एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इंस्ट्रूमेंट HL2M टोकामक को पहली बार सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया था।
चाइना की न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च कैपेबिलिटीज के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। जब से ईस्ट पहली बार ऑपरेशनल हुआ 2006 में, तब से ईस्ट के कई सारे रिकॉर्ड्स हैं एक्सीडिंगली हॉट प्लाज्मा के स्टोरेज के अलग अलग ड्यूरेशन के लिए। ईस्ट प्रोजेक्ट एक पार्ट है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी का। जब ये 2035 तक ऑपरेशनल होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कई सारी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है, जैसे इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो आर्टिफिशियल सन ईस्ट कैसे काम करता है? ईस्ट टोकामक डिवाइस को सन और स्टार्स के किए गए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को दोहराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू काफ़ी हाई लेवल्स में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है काफ़ी लो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट में। पहले न्यूक्लियर फिजन के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता था। फिजन की तरह फ्यूजन भी ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट नहीं करता है और इसे एक्सीडेंट्स के कम रिस्क के साथ एक सेफ प्रोसेस माना जाता है। एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन पर महारत हासिल करने के बाद पॉसिबली ये हमें अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी और बहुत ही लो कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए हाइड्रोजन एटम्स पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर डाला जाता है ताकि वो एक साथ फ्यूज हो जाएं। ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम के न्यूक्लियाय दोनों हाइड्रोजन में पाए जाते हैं। एक हीलियम न्यूक्लियाय एक न्यूट्रॉन के साथ साथ पूरी एनर्जी के साथ एक साथ फ्यूज करने के लिए बने होते हैं। इसे 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि ये सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स का एक हॉट प्लाज्मा सूप बना सके। एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से प्लाज्मा को रिएक्टर की दीवारों से दूर रखा जाता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि ये ठंडा ना हो और बड़े अमाउंट में एनर्जी जनरेट करने की एबिलिटी ना खो दे। फ्यूजन होने के लिए प्लाज्मा लंबे ड्यूरेशन के लिए एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता है। इस रिएक्टर ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया जब उसने 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का प्लाज्मा टेम्परेचर हासिल किया और 288 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 20 सेकंड तक चलने में कामयाब रहा। अगर रियल सन की बात की जाए तो उसका कोर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जिसका मतलब है कि रिएक्टर उस टेम्परेचर को टच करने में सक्सेसफुल रहा जो रियल सन से 10 गुना ज़्यादा गर्म होता है। लिन बोकुएंग ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के पीछे साइंटिस्ट का अगला गोल लंबे पीरियड तक हाई टेम्परेचर को बनाए रखना है। इससे पहले ईस्ट 2018 में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड टेम्परेचर तक पहुंच गया था। जहां तक चाइना के ग्रीन डेवलपमेंट का सवाल है, ये सही दिशा में एक कदम है। ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो चाइना के ग्रीन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोकुएंग ने कहा कि चाइना को पूरी तरह से काम कर रहे आर्टिफिशियल सन को देखने में सक्षम होने में अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन चाइना अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने हाई प्लाज्मा टेम्परेचर हासिल किया है। 2020 में साउथ कोरिया के के स्टार रिएक्टर ने 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के प्लाज्मा टेम्परेचर को बनाए रखते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो दूसरा सन तो नहीं, पर हाँ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक बेटर अल्टरनेट जरूर मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।